सदर विधायक सरजीत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास के लिए संवेदनशील है और भिंड के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। जनता ने जिस उम्मीद के साथ मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है, जिसके लिए मैं हमेशा जनता के बीच रहकर और उनकी समस्याओं का समाधान करना ही मेरी पहली प्राथमिकता है और भिंड शहर को विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने का कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि नए साल में भिंड के लिए बहुत सारे विकास कार्यों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। और जो उन्होंने आरोप लगाए सरकार के ऊपर, वो सभी तथ्यहीन थे। उसके सपोर्ट में वो कोई भी डॉक्यूमेंट पटल पे नहीं रख पाए। वो तो सूखी सिर्फ जनता को भ्रमित करने के लिए इस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आए थे। इस प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता का विश्वास और आशीर्वाद शिवराज सिंह जी चौहान के ऊपर है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। और आने वाले वर्षों में, जो आने वाले वर्ष में हम जो प्रवेश करने वाले हैं, हमारा जो संकल्प है कि भिंड में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। भिंड नगर पालिका चूंकि बहुत पुरानी नगर पालिका है और जनसंख्या के हिसाब से और अन्य मापदंडों के हिसाब से वो सभी मापदंडों को पूर्ति करती है, तो भिंड नगर पालिका को नगर निगम का दर्जा मिलना चाहिए।